उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपोजिट विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के आदेश जारी किया है, जिसके बाद से ही शिक्षक और सरकार आमने सामने हैं। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और जो टीचर्स हैं वो इसको लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं। हम इस समय लखनऊ के एक प्राथमिक विद्यालय में हैं, गढ़ेरियन पूर्वा, जो लखनऊ के चिनहट इलाके का है, और वहाँ के प्रधानाचार्य लल्ली सिंह जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्यों विरोध हो रहा है इतना ज़्यादा? सर, पहली बात तो हम स्पष्ट कर दें कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, हमारा विभाग हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करिए, हम अटेंडेंस देने के लिए सहर्ष तैयार हैं। तो जो डिजिटल अटेंडेंस के लिए जो नियम आए हैं, उसमें कहाँ खामियाँ हैं जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है पूरे प्रदेश में? सर, अटेंडेंस में आपने एक चीज़ गौर की होगी या जानते होंगे कि अटेंडेंस 8 बजे लॉक हो जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस हमारा जो टाइम जाएगा वो, मतलब उसके बाद एब्सेंट हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लॉक मत करिए उसको, 8 बजे टाइम फिक्स मत करिए, आप आने दीजिए टीचर्स को, उसको अनलॉक रखिए, वो जब आएगा अटेंडेंस देगा। आपके पोर्टल पे वो नज़र आएगा कि कौन टीचर कब आ रहा है। जो बार बार रेड जोन में आ रहा है, लगातार आ रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो यदा कदा एक दो दिन की बात है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं फंसा होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो इग्नोर इट। क्योंकि अगर हमारा टीचर एकदम 8 बजे का समय आपने दे दिया और वो भागता दौड़ता आ रहा है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए लेट हो रहा है, तो क्या उसकी सैलरी कट जानी चाहिए? अगर 8:01 पे आ रहा है तो क्या? आपने बोला है कि 8:30 तक हम स्पष्टीकरण के साथ आपको हम छूट दे रहे हैं, उसका मतलब यही है ना कि 8 बजे हमारा लॉक हो गया, 8 से 8:30 के बीच में आप आएंगे तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। अब उस स्पष्टीकरण में क्या आपको लगता है कि टीचर्स हैरिश नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि उसको दौड़ाया नहीं जाएगा? क्या आपको लगता है कि जो वो अपनी स्पष्टीकरण को देगा उससे हमारा अधिकारी संतुष्ट ही हो जाएगा? क्या 8:01 पे आने वाले को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या इतना भी मानवीय आधार पे हमको छूट नहीं मिलनी चाहिए? हमारे स्कूल में अभी हमने कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक बच्चा गिर गया, उसका हाथ टूट गया था। मैं उसको लेकर के अपने घर से ड्राइवर बुलाई, लेकर के हॉस्पिटल गई, उसको प्लास्टर चढ़वाया हमने। अगर इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं कभी स्कूल में होती हैं तो कोई शिक्षक क्यों लेकर के बीच में जाएगा? बच्चा चाहे गिर के तड़पता रहेगा, हम किस आधार पे उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? आपने 2:15 के पहले बोला है कि लॉक नहीं खुलेगा, हम कौन सी सेल्फी देंगे और किस आधार पर बच्चे को लेकर के जाएंगे? क्योंकि हमें तो हमारी सैलरी और हमारी प्रेजेंस प्रिय होगी ना। आपने इस तरीके इस किनारे पे लाके खड़ा कर दिया हमें कि हम मानवीय संबंध ही भूल जाएंगे। कोई शिक्षक रास्ते में पड़ा गिरा है और एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, हम उसके लिए रुक ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें तो अपनी सेल्फी नज़र आएगी। तो प्लीज़ मानवीय आधार पे कुछ चीज़ें समझिए। अगर बीच में हमको किसी बात पे जाना है कभी, तो हमको हाफ सीएल प्रोवाइड नहीं की गई है, कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया है। साथ में हमको केवल 14 CL मिलती हैं। 14 CL पे किस तरीके से हम 12 महीने काट सकते हैं? हमारे घर शादी ब्याह जीना मरना ये सब कैसे हो सकता है? हमको साल में सिर्फ 1 EL मिलती है, जबकि हर विभाग में 30 EL मिलती हैं। तो आप हमारे ऊपर क्यों इतना, मतलब, जबकि आप एक बात जान लीजिए, आज आपको हम बताते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट सपने देखती है, ज़मीन पे उतारती है, कोई भी योजना उसकी होती है, उसमें हमारे भागीदारी के बिना वो योजना सफल नहीं होती है। आज अगर हमारा देश पोलियो उन्मूलन से, मतलब पोलियो से मुक्त हुआ है, तो 90% हमारी भागीदारी रही है। हम घर घर जाकर के पोलियो लगाएं, ड्रॉप पिलाएं बच्चों को, और पीठ भले थपथपा ले स्वास्थ्य विभाग, लेकिन हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता। मिड डे मील जब आना हुआ तो हुआ कि आपको केवल निगरानी करनी है, आज पूरा कुछ हमारे शिक्षक पे थोप दिया गया। वो अगर सब्जी लेने जाएगा, गैस लेने जाएगा, तो चोर माना जाएगा। टाइम एंड मोशन में कहा जाता है कि आप छुट्टी के बाद स्कूल में काम करवाइए। आप खुद सोचिए, 3 बजे कौन सा लेबर हमारे लिए बैठा होगा? छुट्टी के दिन काम कराइए। एक संडे को हम एक रूम में पुताई कराएं, अगले संडे को अगले रूम में पुताई कराएं। ये किस तरीके की बातें आप लोग कर रहे हैं? खाली इसलिए कि हमको चोर साबित करना है? हम 20 से निकले किसी भी काम के लिए तो चोर हैं। PFMS प्रणाली में हमको बैंक में जमा करना होता है कागज, हम कब जाएंगे जमा करने? 3 बजे के बाद? शाम को हम स्कूल में काम करा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये किस तरीके की बात हो रही है? आपने बताया कि
पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों को आप लोग पढ़ाती हैं उसके अलावा भी बहुत सारे सरकार ऐसे काम लेती है, तो उससे पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता होगा सर। अच्छा आप ही बताइए, हमारे तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हमारे टीचर्स मतलब एक दो को छोड़ करके पूरे के पूरे BLO बन जाते हैं, और उनको जब सरकार को ज़रूरत होती है उनको पूर्ण मुक्त करा दिया जाता है। ऐसे में एक या दो टीचर, वो भी प्राइमरी सेक्शन जहाँ हर एक क्लास के लिए एक टीचर कंपल्सरी है, तब हम उन बच्चों को संभाल सकते हैं, कैसे मैनेज करेगा टीचर। जनवरी आती है, सारे जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी उसी समय कराई जाती हैं, क्योंकि मार्च में पैसे लैप्स होते हैं या जो भी रीज़न हो, जनवरी से लेके मार्च के बीच में सारी ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी। हमारा आधा टीचर ट्रेनिंग में चला गया, उसी दौरान बोर्ड परीक्षाएँ होती हैं, हमारा आधा टीचर बोर्ड परीक्षा में चला गया, और वही वक्त होता है जब हमें अपने को सोसाइटी में दिखाना होता है हम क्या आउटपुट दे रहे हैं, तब हमारे पास गार्जियन आते हैं अपने बच्चों को लेकर के अपने एडमिशन के लिए। हम क्या दिखा पाते हैं, कभी सोचा है किसी ने हमारे दर्द को? हमें जगह जगह भेज दिया, लेकिन हम अपने स्कूल में गलत साबित होकर, चोर साबित होकर के खड़े रहते हैं। आपने मैम आउटपुट की बात की, तो ये जब नियम आया था स्कूल, इसके बाद से सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत ज़्यादा हो गया कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनका आउटपुट और जो प्राथमिक विद्यालय जो सरकार द्वारा संचालित है उनका आउटपुट, दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हम कहेंगे कि फ़र्क होगा और नज़र आता होगा लोगों को, लेकिन जो हम आप देखते होंगे जो भी बड़े स्कूल हैं वो एकदम एक सेंटर पे स्थापित हैं, वहाँ से वहीं पर चारों तरफ से लोगों को आना है। हमारे स्कूल आप सोचिए इतने इंटीरियर है जहाँ अधिकारियों की गाड़ी तक नहीं जाती है, वहाँ जा कर के हमको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ हमको शिक्षा देनी पड़ती है। आप कभी अगर आप बड़े स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ बिना टेस्ट लिए बच्चों का एग्ज़ाम मतलब वहाँ एडमिशन नहीं होता, वो क्रीम लेते हैं। और सर हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल जिनका बैकग्राउंड ही शायद पहली पीढ़ी यहाँ पर साक्षर होने आ रही है। आप हमारा बच्चा भी पढ़ा है बड़े स्कूल में, लेकिन 80% हमारी मेहनत होती थी, 20% स्कूल की, यहाँ 100% हमारी मेहनत है, क्योंकि घर से बच्चों को इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है कि उनको इस तरीके से सपोर्ट मिल सके। आपने बताया कि इंटीरियर इलाके, ये विरोध में एक ये भी आ रहा है कि जो बहुत दूर दराज इलाकों में विद्यालय हैं जिससे डिजिटल अटेंडेंस जो ऑनलाइन हाजिरी है वो नहीं लग सकती, उसमें देरी होगी, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जब डिजिटल अटेंडेंस लागू हुआ तब क्यों इसका विरोध हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं जो है इसका विरोध हुआ कि बहुत दूर इलाका है और बहुत आउटर एरिया है तो वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही, पहले क्यों नहीं विरोध हुआ, डिजिटल अटेंडेंस लागू होने के बाद ही क्यों विरोध हो रहा है? बिल्कुल सर, तब जो है एकदम फिक्स टाइम नहीं था कि हमें 8 बजे हर हाल में पहुँचना है, हम टाइम से जाते थे, लेकिन अगर कोई बैरियर आया और 10-5 मिनट लेट भी हो गए तो उस समय हमारे ऊपर इतनी जो है उंगलियाँ नहीं उठती थी और ना उठ सकती थी, क्योंकि हम एक स्पष्टीकरण दे दिया करते थे लिखित में कि हाँ हमने हमसे ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन यहाँ पर आप तो हमें आधे मिनट के लिए भी कटघरे में खड़ा कर देंगे ना, हम भी इंसान है, हमारी भी फैमिली है, कभी या हमारा भी रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप, हम इसके विरोध में है ही नहीं है सर, आप हमारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो क्या होगा। ऐप नहीं चल रहे हैं, ऐप हाँफ रहे हैं, सुबह से हम ऑन कर रहे हैं कि हम बच्चों की प्रेजेंस दे दें, मिड डे मील दे दें, अभी तक ऐप नहीं खुला और 4 दिन से नहीं खुला, ये परिस्थिति हमारे अटेंडेंस के समय होगी तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? जो आप लोग को टैब दिया गया है उसमें जो ऐप प्रोवाइड है जिससे प्रेरणा है ऐसे जिसमें अटेंडेंस लगाना है वो एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है सर, उसी की मैं बात कर रही हूँ। उस ऐप पे हम मिड डे मील डेली भेज रहे थे, बच्चों की प्रेजेंस भेज रहे थे, लेकिन 4 दिन से वो ऐप खुल ही नहीं रहा है। आप चाहे तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं, वो ऐप नहीं खुल रहा है, बस वो बैक हो जा रहा है खोलते समय, और जब ये हमारे प्रेजेंस के समय होगा, चलिए बच्चों की प्रेजेंस तो हम पेपर पे लगा दे रहे हैं, अपने रजिस्टर पे लगा रहे हैं, मिड डे मील का रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी प्रेजेंस नहीं लगेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन सब मुद्दों पर बिना बात किए आप कैसे इस तरीके से हमारे ऊपर कोई चीज़ थोप सकते हैं? कि जो महिला शिक्षक हैं वो अपने सेल्फी को उनको देना है इसलिए भी विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का, ऐसा है क्या? सर सेल्फी तो मुझे नहीं लगता है ये, चूँकि GPS होगा, और जहाँ तक अगर ये सेल्फी जा रही है तब तो ठीक बात नहीं है, लेकिन अगर ये ऑनलाइन में ऐसा है कि सेल्फी कलेक्ट नहीं हो रही है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बात का मुद्दा है, हमें पता चलेगा कि सेल्फी जा रही है कि नहीं जा रही, कैसे जा रही, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंस दी ही नहीं है। बट पहले जो पहले स्टेज के बैरियर्स हैं उनको तो सॉर्ट आउट किया जाए, हमारे लिए कम से कम EL की व्यवस्था, हमारे लिए हाफ लीव की व्यवस्था, कभी स्कूल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे किस बेस पे ले जाएंगे, पहले हमारी जो शंकाएं हैं उनको तो दूर करिए,
आप इतने बड़े एक हम कम नहीं है संख्या में, हम 6 लाख से ज़्यादा हैं। आप किसी भी एक बड़े तंत्र पे आप किसी चीज़ को डालने जा रहे हैं, थोपने जा रहे हैं बिना किसी उसके शंका को ख़त्म किए। पहले शंका तो ख़त्म करिए। हम तो यहाँ से अपील करना चाहते हैं अपने विभाग से, अपने उच्चाधिकारियों से, अपने मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी समस्याओं का समाधान करिए। हम खड़े हैं सेल्फी देने के लिए, ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए, लेकिन जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक नहीं। क्या क्या मांगे हैं आपकी, आखिरी सवाल? आखिरी सवाल अगर आपका है तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले तो हमारा जो टाइम को उन्होंने फिक्स किया है उसको हटा दें, यानी कि उसको जब भी टीचर आया जाए लॉक करें, आप अपने पोर्टल पे देख करके और आप डिसीजन लें। अगर 3 दिन हम लेट पहुंच रहे हैं तो 1 CL काट लें, सैलरी नहीं काटें। उसके अलावा हमको हाफ CL की व्यवस्था हो कि स्कूल से अगर हमें कभी जाना हो, बाई चांस कभी हम पेरेंट्स मीटिंग में चले गए और आधे घंटे लेट हो गए हम वहाँ पे और स्कूल आ रहे हैं, तो वो हमको सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, हमको हाफ CL की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में हमको EL ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि 14 CL बहुत कम है। हमारे आप जानते हैं कि हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारे पास भी परिवार है, हमारा भी अपना एक सोशल दायरा है, जीना मरना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, ये सब उसी में हमें देखने हैं। तो हमारे लिए भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और इन सब चीज़ों पे काम किया जाए। साथ में प्रेरणा ऐप पे अगर आपको लेना है हमारी अटेंडेंस, तो उसको बहुत अपडेट करिए, क्योंकि हमारे यहाँ मान लीजिए 6-7 लोग हैं और अगर यही हाल रहा तो 5-10 मिनट पहले पहुँच के भी सारे लोग नहीं दे पाएंगे ऐप पे अटेंडेंस। तो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, आप अटेंडेंस लीजिए। तो सुना आपने, ये प्राथमिक विद्यालय गडेरियन पूर्वा लखनऊ में जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं लल्ली सिंह, जिन्होंने बताया कि विभाग को बैठ करके बातचीत करना चाहिए और ये इन लोगों के भी अपने एक सामाजिक दायरा है, लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया। इनका कहना है कि बातचीत करके जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। मंगला तिवारी, PTC News, लखनऊ।